Arn, it was Arn. Arn, where's the guy? Where's the guy? Guys, guys. Why? बहुत सही भाई, बहुत सही। सो गाइस सुप्रभात, और आज संडे है। जैसे कल मैंने व्लॉग बनाया था, कल मैंने व्लॉग शूट किया था, अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है क्योंकि पोस्ट करता तो आपको दिख जाता। सो आज संडे है, आज भी हमें बुलाया है बैक ऑफिस में, आज भी काम है हमें थोड़ा सा, पता नहीं क्या काम है यार, संडे के दिन भी काम ले रहे हैं यार, दिमाग ख़राब साला। लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बी एम ने बोला है, मतलब ब्रांच मैनेजर ने खुद ने बोला कि भाई संडे को फुल डे ऑफिस रहेगा, अब देखते कितनी देर काम रहेगा। सो गाइस बहुत मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि यहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि संडे के दिन भी ऑफिस आया हूँ मैं आज। ऐसा नहीं मैं ही आया हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन अपना क्या गोल अलग है, तो उसके लिए काम चल रहा है, इसलिए अपनी जॉब, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो मैं कर सकता हूँ ट्रेनर का काम, लेकिन ट्रेनर में क्या है, ज़्यादा सैलरी नहीं है। सो गाइस फाइनली आज संडे है, और आज संडे भी मेरा आज वर्किंग है। सो इन सब पचड़ों से बाहर निकलने के लिए ही मैं थोड़ा सा मतलब काम कर रहा हूँ, मतलब मेहनत चल रही है अभी, मतलब मैंने ये जॉब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी मील्स पूरी हो, ताकि मैं पूरी मील्स अपनी ले सकूँ, मतलब मैंने जो डाइट है। बॉडी बिल्डिंग में 80% मेरा मानना है, किसी का मानना नहीं, मेरा मानना है कि 80% जो है वो डाइट है। बॉडी बिल्डिंग में 80% डाइट है, 20-30% वर्कआउट है, ठीक है ना। 80-70% डाइट है, 30-20% वर्कआउट है। वर्कआउट हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो कहते हैं ना कि यार तुम मेहनत में, तुम जिम में मेहनत तो 100% दे दोगे, जिम में तुम 100% ही दे दोगे, क्योंकि हर चौथा तीसरा बंदा आके वहाँ मेहनत कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ गलती कर रहा है, वो कर रहा है खाने पीने में गलती कर रहा है, ठीक है ना। तो खाना इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए। जैसे अगर आप फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स देखोगे, तो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स क्यों इतने ह्यूज होते हैं, वो इतने ह्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वो लोग बहुत खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, बहुत खाते हैं, इसलिए भाई वो लोग बहुत ह्यूज होते हैं, ह्यूज बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि। और इंडियंस में यही कमी है कि, कमी तो वैसे हर जगह है, अगर देखोगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी है, तो कमी हर जगह है, बहाने नहीं देना चाहिए, बस अपनी मील्स, प्रॉपर मील्स खाइए, सब कुछ ठीक होगा। और अभी थोड़ी नई शुरुआत है अपनी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ अपनी बॉडी का, तो YouTube के लिए और मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब बहुत जल्दी मैं कैमरा लेने वाला हूँ, इसलिए मैं इसलिए कुछ ना कुछ जॉब करते रहता हूँ। जैसे अभी फाइनेंस में लगाऊँ, श्रीराम फाइनेंस में मेरा हो चुका है, और मतलब लग चुका है कि मैंने की सैलरी भी आ गई है, ठीक है ना। सैलरी कितनी है, वो कितनी क्या आई, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। और मतलब मैंने समझ लो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ जॉब, मेरे को कैमरा लेना है पहली बात तो, ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए मुझे, एक्शन कैमरा चाहिए, कोई सा भी हो, अच्छा सा कैमरा हो, एक्शन कैमरा चाहिए मुझे। और फिर उसके बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग भी चालू कर दूंगा, और ब्लॉगिंग तो मैं करता ही हूँ, बाकी अपना जो मेन फोकस जो रहेगा वो रहता है फिटनेस पर, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा फोकस अपना फिटनेस पर रहेगा। सो गाइस लंच कर लिया अभी, और बाकी स्टाफ लंच करने गए हैं वगैरह, सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। और अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली मेरे व्लॉग्स अपने यूट्यूब पर, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे जो यूट्यूब पे जो व्लॉग है वो कंसिस्टेंट आते रहें। और समस्या ये है यहाँ पर कि टाइमिंग का थोड़ा इशू, टाइमिंग 8:30 बजे का है, मतलब मैं ऑफिस में 8:30 बजे आना ही, किसी वाले में 8:45 पे ऑफिस के अंदर आना ही होता है, ठीक है ना। और शाम को 7 बजे तक का रहता है मतलब टाइम, तो समझ लो 10-11 घंटे की जॉब है, 10-11 घंटे के आसपास की जॉब रहती है। तो इस बीच में खाना भी है अपने को, यहीं पर नहीं रहना है अपने को, आगे बढ़ना है, तो वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मील्स भी खानी है अपनी, वर्कआउट भी करना है। मैं सुबह जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए, मतलब मैं पहुँचता हूँ 6:30 बजे जिम पहुँच जाता हूँ, कल से वो ऐड करूँगा मैं, मतलब व्लॉग बनाऊँगा तो वर्कआउट भी दिखाऊँगा अपना, क्या वर्कआउट ट्रेन कर रहा हूँ, क्या ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, सब कुछ शूट करेंगे अपन। अभी तो एडजस्ट मेरा ये मेरा व्लॉग है कि मेरी जॉब लग चुकी है श्रीराम फाइनेंस में, और श्रीराम फाइनेंस ब्रांच जो है वो नर्मदापुरम में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं लोकल के रहने वाला हूँ, यहीं कहीं रहने वाला हूँ, तो यहीं पे जो मुझे जॉब मिल गई है, मेरा घर यहाँ से करीबन होगा 4-3 किलोमीटर दूर, तो यही खाना अब भी खाया, तो यहीं की यहीं जॉब मिल गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर चलो मिलते हैं, थोड़ा सा काम कर लें, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस अब जाकर छूटा हूँ ऑफिस से, और अभी अमन आ रहा है RX 100 लेके, देखता वही बोल रहा लेने का, आप देखते कैसी है।
अरे वीडियो बन गई तो देख। सो गाइस ये लड़का ये गाड़ी ले रहा है, शरीर देखो इसका और गाड़ी देखो, RX 135 चल रही RX 135 चार गियर। साउंड सुन रहे, साउंड देख रहे, लेजेंडरी बाइक है भाई। और उधर खींचा तुझे भाई, साउंड तो देख, तुम ऑटो जैसा आ रहा भाई। अरे मारो तो वो और साउंड देखो, साउंड मान बैठ गए, बैठ गए कैश कैश भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही यार। टू स्टॉक इसमें भी डीवी किलर लगा हुआ है। अच्छा देख, ये चेम्बर है ये ना, ये नट गाइस अभी इसमें ना डीवी किलर लगा हुआ, इसलिए अरे तो थोड़ी सी कम आवाज आ रही, नहीं तो और तेज आवाज आती है भाई। बाबा ले इसको, ले ले यार पानी दे दो। सो गाइस ये जो गाड़ी का ओनर है ना, वो गाड़ी बेच नहीं रहा है, नहीं तो हम यही ले लेते। तो हमारा क्या सीरियस को क्या, हम लेंगे 100 CC लेंगे, फिर 135 लेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, बहुत जोरदार बनानी है उसको। तो गाइस इसका जो साउंड है ना, फुल छपरी साउंड है, मतलब फुल डिस्टर्बिंग साउंड है, बहुत ही जहर साउंड है यार, इतना तेज, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है यार, मतलब कान में चुभ रहा है इसका साउंड। सो गाइस हमारी गाड़ी अब जो बंद हो चुकी है क्योंकि हमने बहुत पका ली भाई। ये इस गाड़ी का जो साउंड है ना, बढ़ते ही जाता, भगाते जाता यार। ये तभी ना चोरों के हाथ में रहती थी पता, ये गाड़ी क्या भाई। अरे क्लच क्लच दबा ना, क्लच दबा। अरे ये भी तो दबाओ, क्या क्या दबाओ। अरे अरे करो ऑटो स्टार्ट करो पांडे। कर 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 तो गाइस फिर से बंद हो गई गाड़ी। कुछ ज्यादा ही भगा लेते हैं आराम, पता है उसको, एक तो उसका साउंड ऐसा कि मन करता खेचो खेचो खेचो। बाकी देखो कितनी साल पुरानी, 1995 की होगी आई थिंक, 1995 की होगी। इसको ज्यादा ही भगा ली हमने, तो ज्यादा ही भगा ली, कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। बहुत पास से आ रही है वाला कैमरा तेरा। हाँ वाइड का ना, वाइड 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 एंगल, वाइड एंगल पड़ जाती है यार क्वालिटी, बस यही तो दिक्कत होती है। अरे यार भाई थक गया भैया, अब तो अब ना हो पाएगा।